हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा, कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आव्यूह चैप्टर चल रहा है। ये आव्यूह का 10वां क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। इसके पहले के जितने क्वेश्चन थे वो सब के सब अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएँ एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। ये 2 बाजार हैं, 1 और 2। ये उत्पादन है 3 प्रकार के, एक्स, ये वाई और ये जेड। और सभी का अलग अलग बाजार का उत्पादन दिया है, 10,000, 2,000, 18,000, ये 6,000, 20,000, 8,000। क्वेश्चन है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से याद कीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको आय निकालना है, कुल आय कैसे निकाला जाएगा। तो आर्टिकल दिया है, एक एक का विक्रय मूल्य दिया है, हमको आय निकालना है। तो आर्टिकल को विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे और आय आ जाएगा पूरा। तो आर्टिकल को हम लिखेंगे पहले, इसको मानेंगे ये बराबर आव्यूह के रूप में लिखना होगा। तो ये पहले से लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख देंगे। ये 10,000, ये 2,000, यह 18,000, 6,000, ये 20,000 और यह 8,000। ये आर्टिकल दिए गए हैं। अब उसके बाद बी बराबर लिखेंगे हम इनके रेट को, जो विक्रय मूल्य दिया इनके रेट को हम लिखेंगे। तो इसको हमें लिखना होगा कॉलम के रूप में। इसको लिखेंगे 2.5, इसको 1.5, इसको 1। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो हमको ये के बाद में, यानी इस मैट्रिक्स के बाद में हमको रख करके गुणा करना है। तो जो पहला मान होना चाहिए वो 3y का होना चाहिए। तो ये 3 रो है और 1 कॉलम है, तो यानी 3x1 हो गया। अब ये गुणा करने में आसान रहेगा क्योंकि 2x3 का गुणा 3y, यहाँ पर कोई भी मान हो लेकिन पहले यहाँ 3 होना चाहिए, मतलब ये मान सेम होना चाहिए तभी गुणा होगा। तो ये हम 3x1 कर दिए, इसको आराम से गुणा हो जाएगा। तो इसको गुणा करा देंगे और हमारा कुल आय आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कुल आय बराबर, ये निकाल लेंगे कुल आय। तो पहले आर्टिकल को लिखेंगे जो मान दिया है, ये 10,000, फिर 2,000 और 18,000। दूसरे बाजार का है 6,000, फिर 20,000 और 8,000। अब इसके विक्रय मूल्य को लिखेंगे हम। विक्रय मूल्य दिया है 2.5, फिर 1.5 रुपया और 1 रुपया। अब इनको गुणा कर देंगे हम। तो अब हम इसको गुणा कर देंगे और ये मान आ जाएगा। तो इसको रो बाई कॉलम गुणा करेंगे हम। 10,000, 2,000, 18,000 का गुणा 2.5, 1.5 और 1 में, यानी ये ऐसे गुणा होगा इस तरह से। तो 10,000 का 2.5 से गुणा, तो 25 का नम 25, और ये 4 0 है तो 1 अंक पर 10, तो बचेगा 3 0। अब ये 2,000 का 1.5 से गुणा, तो 15 दुना 30, और 3 0 की बजाय 2 0 क्योंकि 1 अंक पे 10 लग जाएगा। 18,000 का 1 से गुणा, तो ये 18,000 पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर लगा देंगे सभी में प्लस। उसी तरह से 6,000 का 2.5 से गुणा, 25 छक्का हो जाएगा 150, और 3 0 है तो 3 0 के बजाय 2 0 क्योंकि 1 अंक पे 10 हो जाएगा, तो वो मान ख़त्म हो जाएगा। और प्लस, अब 20,000 का गुणा 1.5 से, तो 15 दुना 30, और 4 0 है तो यहाँ लगाएंगे 3 0। अब 8,000 का 1 से गुणा, तो ये 8,000 ही होगा। अब ऐड कर देंगे इसको, 25,000 और 3,000 28,000, 28 10 38, 38 2 40 और 6 46, ये 46,000 हो गया पहले का। और दूसरे का आ जाएगा 15 30 45, 5 50 3 53, 53,000 आ जाएगा दूसरे वाले का। तो ये दोनों का आय आ गया। अब उसके बाद हमको बी वाला निकालना है, तो बी वाले को हम सॉल्व करेंगे। बी वाला लिखा है, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है, तो कुल लाभ याद कीजिए। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये जो आया, ये कुल आया आया है, यानी कि विक्रय टोटल आया है। अब की बार हमको निकालना है लाभ। अब ये लागत दिया है एक एक का, तो नहीं, लागत आ जाएगा मान अब की बार। तो अगर विक्रय मूल्य में से हम लागत को हटा देंगे तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा, टोटल लाभ हमको आसानी से मिल जाएगा।
तो हमको अब की बार हल करना है लागत की, तो यहाँ डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं बी वाले को, लिखेंगे कुल लागत बराबर, यहाँ लिख देंगे कुल लागत, इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो कुल लागत में रेट ये जो आर्टिकल दिया है तो वही रहेगा, तो आर्टिकल को वही लिखेंगे हम 10,000 और 2,000 और 18,000, ये आर्टिकल वही रहेगा 6,000, फिर 20,000 और उसके बाद में 8,000, ये आर्टिकल वही रहेगा। अब इस आर्टिकल को अगर हम लागत से गुणा कर दें यानी कि कास्ट से गुणा कर दें तो हमारा कुल लागत आ जाएगा, ये कितना रुपया कुल लगा था, तो 2 रुपया दिया पहले तो यहाँ लिख देंगे 2, फिर 1 रुपया और फिर ये 50 पैसा है तो इसको लिखेंगे 0.5, इतना रुपया हो जाएगा, इसको हम रुपये में बदल दिए। तो अब इसका गुणा होगा रो बाई कॉलम, ऐसे जा करके ये गुणा हो जाएगा इस तरह से, पहले वाले का फिर दूसरे वाले का भी इसे गुणा हो जाएगा जा करके। तो 10,000 का गुणा 2 से तो ये बनेगा 10 × 2 = 20,000 और प्लस, अब 2,000 का गुणा 1 से तो ये 2,000 और प्लस 18,000 का गुणा 0.5 से तो 18×5 = 90 और 3 जीरो है तो 2 जीरो लिखा जाएगा क्योंकि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 6,000 का गुणा 2 से तो 6×12 = 12,000 और 20,000 का गुणा 1 से प्लस 20,000 और 8,000 का गुणा 0.5 से तो ये 4,000, ये इतना माना जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, जोड़ देंगे सभी को तो 20,000 और 2 = 22,000, 22 और 9 = 31,000, ये माना आ गया टोटल 31,000। ये 12,000 और 20,000 ये बनेगा 32,000, 32 और 4 = 36,000, ये इतना माना आ गया टोटल। ये मान हमारा आया लागत यानी ये सीपी और ये आय, कुल आय का मतलब वही एसपी, टोटल एसपी, ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। अब हमको निकालना है लाभ, तो लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, ये हमारा एसपी था तो एसपी में से सीपी को घटा देंगे और हमको लाभ मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर तो एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, तो विक्रय मूल है 46,000 और 53,000, अब माइनस सीपी हमारा है यानी क्रय मूल है 31,000 और 36,000, अब इसको माइनस कर देंगे हम तो अब ये घटेगा तो 46 में से 31 घटेगा तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, ये 15,000 हो गया। अब 53,000 में से 36,000 घटेगा, 13 में से 6 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, 17,000, ये आ गया कुल लाभ। तो दोनों का अलग अलग लाभ आया, अगर कुल लाभ निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 0, 0, 7, 5, 12, 1, 1, 2, 1, 3 यानी टोटल 32,000 रुपया लाभ हो जाएगा दोनों का मिला करके, और अलग अलग है 15,000 और 17,000 लाभ। ये 11वां क्वेश्चन है, लिखा आव्यूह यक्ष ज्ञात कीजिए, यदि यक्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल टू −7, −8, −9, 2, 4, 6। तो इसमें हमको सबसे पहले यक्ष की कोट निर्धारित करनी होगी कि यक्ष जो मैट्रिक्स है इसका कोट कितना होगा। तो यक्ष को छोड़ दे रहे हैं अभी, ये जो बाद वाला मैट्रिक्स लिखा है ये लिखा है 2×3 का, ये 2×3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये भी लिखा है 2×3 का मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम, रो 2 है और कॉलम 3 है। उसी तरह से इधर वाला यक्स का, इसका हमें नहीं पता है तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये m/2 लिखा हुआ है। m/2 इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर 2 है पहले, और जब ये 2 रहेगा तो ये भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये अंदर का मान जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों मान आपस में गुणा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर 2 है तो निश्चित है कि यहाँ पर भी मान 2 होगा। अब m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू निर्धारित हो जाए उसके बाद हम आराम से मान निकाल सकते हैं। तो जब ये दोनों गुणा होगा तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो निश्चित है कि m/3 का बन के आएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो m/3 का बनेगा क्योंकि ये दोनों तो मान बराबर हो जाते हैं, तो m/3 का मैट्रिक्स बन के आएगा और इधर वाला मैट्रिक्स है 2×3 का, और ये मान बराबर है दोनों, तो ये मान बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो बराबर है ही हैं, तो निश्चित है कि m का मान भी 2 होगा। अगर ये मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे जब इसके प्रत्येक ऑर्डर यानी जो इसके कोट हैं वो बराबर हों,
तो तीन ये है तो ये दो भी होगा, यानी यम का मान दो। तो ये कंफर्म हो गया कि जो यक्स की मैट्रिक्स है वो 2x2 की होनी चाहिए, यक्स की मैट्रिक्स होनी चाहिए 2x2 की, यानी कि यक्स बराबर हम इसको मान लें कुछ ए बी सी और डी, हम इसकी मैट्रिक्स को मान रहे हैं यक्स बराबर ए बी सी डी। तो हमको यही ए बी सी डी का मान निकालना है, ये मान मिल जाए आराम से मैट्रिक्स में के बाद में रख देंगे और ये आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे हम, फिर लिखेंगे यहाँ ए बी सी डी और ये मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर ये -7, -8 और -9 2, 4 और 6। तो पहला नंबर इसको गुणा कराएं हम, रो बाय कॉलम गुणा होगा, तो ये का 1 से गुणा यहाँ आएगा ये, प्लस बी का 4 से गुणा ये बनेगा 4b। उसी तरह से ये का 2 से गुणा 2a प्लस बी का 5 से गुणा 5b, ये का 3 से गुणा 3a और बी का 6 से गुणा 6b। उसी तरह से सी का ए से गुणा, सी का 1 से गुणा सी और डी का 4 से गुणा 4d और फिर सी का 2 से गुणा 2c और डी का 5 से गुणा 5d और सी का गुणा 3 से तो 3c और डी का गुणा 6 से तो 6d। ये इतना बन गया इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे -7, -8, -9, 2, 4, 6। अब ये दोनों बराबर मान है तो सभी मानों को हम बराबर कर देंगे। तो ये पहला जो अवयव है ये प्लस 4b, यहाँ लिखेंगे ये प्लस 4b इक्वल टू, ये किसके बराबर है, -7 के बराबर होगा, ये होगा -7 के बराबर। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसी तरह से 2a प्लस 5b, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 5b इक्वल टू, ये 8 के बराबर होगा -8 के, इसको मानेंगे दूसरा समीकरण। उसी तरह से 3a प्लस 6b, यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 6b, ये बराबर होगा -9 के, इसको मान लेंगे हम तीसरा समीकरण। अब चौथे पे नंबर आएंगे आएगा ये, तो c प्लस 4d, c प्लस 4d होगा 2 के बराबर, ये चौथा समीकरण। और 2c प्लस 5d ये बराबर होगा 4 के, ये पांचवा समीकरण। और 3c प्लस 6d ये बराबर होगा 6 के, तो ये छठवा समीकरण। तो इन दोनों में से अगर हम कोई दो समीकरण ले लें तो ये b का मान आ जाएगा, इन दोनों समीकरणों में से कोई दो समीकरण ले लें तो c और d का मान आ जाएगा आसानी से। तो दो दो समीकरण हम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 है, तो फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो आसानी से ये कट जाएगा, बी का मान आ जाएगा। तो फर्स्ट में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये बनेगा 2a प्लस 8b और ये आ जाएगा -14। ऐसे दूसरा समीकरण है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, इसको माइनस करेंगे हम तो ये कट जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3b, अब -14 प्लस 8 ये आएगा -6, तो 3 कर्णम 3, 3 दुनी 6, यानी b का मान आ गया -2, ये b का मान मिल गया -2। अब b के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ये का मान आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं ये प्लस 4 गुणे -2 इक्वल टू -7, तो ये मान आएगा 4 दुनी 8, तो ये आएगा -8 इक्वल टू -7, तो ये बराबर -7, अब -8 है तो उधर जाएगा तो ये +8, तो ये बराबर 8 में से 7 घटेगा 1, यानी ये का मान आ गया 1। तो 1 और -2 आ गया, तीसरे में भी हम रख करके चेक कर लेंगे कि ये मान सही है या नहीं। तो ये का मान अगर 1 यहाँ रखेंगे हम तो आएगा 3 गुणे 1, अब प्लस 6 गुणे b का मान रखेंगे -2, तो 3 - 6 दुनी 12, 12 में से 3 गया -9, तो ये -9 आ रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है मान। तो अब हम अगले को चेक करेंगे यानी cd वाले को। तो cd वाले में हम चौथे पाँचवें समीकरण को सॉल्व कर लें तो सी और डी का मान आसानी से आ जाएगा।
तो लिखेंगे समीकरण चार व पांच से, तो समीकरण चार में अगर हम दो से गुणा कर दें तो ये टू सी कट जाएगा आसानी से, तो इसमें हम दो से गुणा कर दें तो हो जाएगा टू सी और प्लस ये एट डी इक्वल टू फोर, और ये टू सी वैसे लिखा रहेगा पांचवा समीकरण, और प्लस फाइव डी इक्वल टू फोर, इसको माइनस कर दें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, आठ में से पाँच घटेगा तो आएगा थ्री डी, और ये चार में से चार ये भी कट गया तो आया जीरो, यानी डी का मान आ गया जीरो। अब डी के मान को चौथे समीकरण में रख देंगे तो सी प्लस चार डी, डी का मान जीरो इक्वल टू दो, यानी सी का मान आ गया दो, ये इतना मान आ गया। यानी जो हमारा मैट्रिक्स आया एक्स का वो कितना आया, ये का मान मिला हुआ है हमको एक, और बी का मान है माइनस दो, और सी का मान है दो, और डी का मान जीरो, तो ये मैट्रिक्स मिल गया एक्स का, यही आंसर हो गया। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोण के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए हैं, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए होगा, हमको ये सिद्ध करना है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन इंटू बी पावर एन होगा, यानी इसमें दो दो सिद्ध करने हैं, पहले ये हमको सिद्ध करना है फिर ये सिद्ध करना है। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसको लिखेंगे हम, जो दिया है इसमें पहला पार्ट दिया ए बी बराबर बी ए, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट क्योंकि भाई जरूरत पड़ेगा। पहला पार्ट हमको सिद्ध करना है ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए, तो इसको ये मान ले रहे हैं हम क्योंकि दो पार्ट हैं, तो लिखेंगे इसको ए बी पावर एन इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए। तो इसमें पहले चेक करेंगे एन बराबर वन पर, यानी एन बराबर वन के लिए, पहले इसके लिए देखेंगे सत्य है या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटू बी पावर वन इक्वल टू बी पावर वन इंटू ए, यानी एन की जगह हम वन रख देंगे तो आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार ये सिद्ध हो गया, इक्वेशन फर्स्ट जितना उतना आ गया, तो लिख देंगे एन बराबर वन के लिए सत्य है, एन बराबर वन के लिए ये सत्य है। अब रखेंगे एन बराबर के लिए, तो लिखेंगे एन बराबर के लिए भी सत्य होगा, लिखेंगे एन बराबर के लिए भी सत्य होगा, हम ये मान रहे हैं कि ये एन बराबर के लिए भी ये सत्य होगा, तो एन की जगह के रख देंगे अब, तो मान आ जाएगा ये बी पावर के इक्वल टू बी पावर के इंटू ये इतना मान बन गया, इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब लिखेंगे एन बराबर के प्लस वन के लिए, हमको यही चेक करना है, लिखेंगे एन बराबर के प्लस वन के लिए, अब जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर हम k प्लस वन लिख देंगे, तो हो जाएगा ये b की पावर k प्लस वन इक्वल टू बी की पावर k प्लस वन इंटू ए। तो इसमें LHS को हमें साल करना और RHS लाना है, तो इसको लिखेंगे हम LHS, हमको LHS साल करके ले जाना है और RHS आ जाना चाहिए, तो ये b की पावर k प्लस वन, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे पहले b वाले को, तो हो जाएगा b की पावर k इंटू ये बनेगा b, ये इतना मान बनेगा। अब इसको हम साहचर्य नियम के अनुसार ब्रैकेट को कर देंगे पहले दो में, यानी ब्रैकेट को कर देंगे हम इस तरह से, ये b की पावर k इंटू बी इस तरह से कर देंगे हम। अब ये b पावर k समीकरण दो में देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं b पावर k इंटू ये, इसको हम उलट करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे b पावर k इंटू ये, और यहाँ b लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे समीकरण दो से, क्योंकि समीकरण दो से हम इसको पलट दिए हैं, जैसे समीकरण दो में लिखा है उसी तरह से हमने इसको पलट दिया। अब ब्रैकेट को फिर लगा देंगे ये b पर, तो ये बन जाएगा b पावर k और ये b, अब इसको फिर पलटा जाएगा, ये b को लिखेंगे बी ए, ये समीकरण फर्स्ट के अनुसार, समीकरण फर्स्ट के अनुसार हम इसको बदल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम b पावर k और ये b की जगह लिख देंगे इसको हम बी ए, यहाँ लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट से। अब ब्रैकेट को हटा देंगे और इसको लिख देंगे बी पावर के बी, और ये ब्रैकेट को कर देंगे पहले दो में, तो ये बी पावर के इंटू बी पावर वन, दोनों जब जुड़ जाएगा ये घात तो ये बन जाएगा बी पावर के प्लस वन, तो ये बनेगा बी पावर के प्लस वन इंटू ये आर एच एस हमारा मान आ गया, ये मान आ गया आर एच एस। यानी इसको लिख सकते हैं हम कि अतः एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य होगा या सत्य है। हम इस वाले को समीकरण मान लें जो के प्लस वन रखे हैं, इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण तीन। अब बी वाले को हल करेंगे हम, बी वाला दिया है ए बी पावर एन इक्वल टू ए पावर एन और बी पावर एन, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहला नंबर इसको हम समीकरण मान लेंगे चार, लिखेंगे एन बराबर वन पर, ये एन बराबर वन के लिए, तो हो जाएगा ए बी पावर वन इक्वल टू ए पावर वन और बी पावर वन, तो हो जाएगा ए बी बराबर ए बी, ये दोनों मान बराबर आ गए, लिख देंगे एन बराबर वन पर सत्य है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद एन बराबर के पर, लिख देंगे एन बराबर के पर सत्य होगा, इस पर हम मान लेंगे कि एन बराबर के पर ये सत्य होगा, यानी कि एन की जगह के रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा ए बी पावर के इक्वल टू ए पावर के और ये बी पावर के, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर पाँच, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर पाँच क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा बाद में, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पाँच। अब लिखेंगे एन बराबर के प्लस वन पर, यही हमको दिखाना है एन बराबर के प्लस वन पर, तो जहाँ जहाँ एन लिखा वहाँ पर हम लिख देंगे के प्लस वन, या जहाँ के लिखा वहाँ के प्लस वन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी पावर के प्लस वन इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन और b पावर k प्लस वन। तो इसमें हमको एल एच एस हल करना है, आर एच एस लाना है, तो इसको समीकरण मान लें छः, तो लिखेंगे एल एच एस, बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष आ जाए, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, ए बी की पावर k प्लस वन, तो k प्लस वन है इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए बी पावर k इंटू ए बी, दो भाग में बढ़ जाएगा, ये करणी का जो घातांक का नियम है उसके हिसाब से, ये अगर प्लस में घात होता है तो उसको अलग अलग कर देते हैं इनटू में करके इस तरह से। अब ये भी पावर के है, तो समीकरण हमने पहले माना है ये समीकरण नंबर चार, या यहाँ से ले सकते हैं समीकरण नंबर पाँच से, समीकरण नंबर पाँच है ये भी की पावर के, तो यहाँ लिखा ये भी पावर के इक्वल टू ये पावर के इंटू बी पावर के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ये पावर के इंटू बी पावर के, और यहाँ वैसे रहेगा ये भी, यहाँ लिख देंगे समीकरण पाँच से, यानी समीकरण पाँच से ये मान रखा गया है। अब इसको हम करेंगे ए की पावर के और इन दोनों को एक में कर दें हम, यानी बी पावर के को और ये को हम एक में कर दें और बी को अलग कर दें, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, अगर बी पावर के इंटू ये लिखा है तो हम आ जाएंगे पुराने वाले में, ये पहले वाले में आ जाएंगे हम, तो यहाँ समीकरण नंबर दो में लिखा है ये बी पावर के और बी बराबर होता है बी पावर के इंटू ये, तो इसके हिसाब से ये b पावर k इंटू ये लिखा है, तो ये बन जाएगा ये इंटू बी पावर k, तो इसको लिखेंगे हम ये इंटू बी पावर k बन जाएगा, ये इंटू बी, यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये पावर k इंटू ये और b पावर k इंटू बी, अब इन दोनों को एक में कर देंगे और इन दोनों को एक में कर देंगे, तो ये की पावर के इंटू ये की पावर वन, तो इंटू में है तो घात जुड़ जाएगा, तो लिख जाएंगे ये की पावर के प्लस वन और ये बन जाएगा बी पावर के प्लस वन, तो हमको जो लाना था छठवां समीकरण वो आ गया, तो यहाँ लिख देंगे आर एच एस प्रूव्ड, यानी हमको आर एच एस लाना था तो आ गया, तो लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल n
के लिए सभी मानों के लिए सत्य है, यहाँ लिख देंगे सत्य है बस। अब उसके बाद तेरहवा क्वेश्चन है, यदि ये इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ये स्क्वायर इक्वल टू आई, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसी में हमको मान रख देना है ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ये स्क्वायर इक्वल टू आई, तो ये स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, इसको दो बार लिखेंगे हम, तो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। अब ये आई को हम 2x2 का मैट्रिक्स लिखेंगे क्योंकि ये 2x2 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1। अब इसको गुणा करा दें, अल्फा का अल्फा से गुणा, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा से गुणा, तो प्लस ये बीटा गामा, और अल्फा का बीटा से गुणा, अल्फा बीटा, और बीटा का माइनस अल्फा से गुणा, तो माइनस अल्फा बीटा। अब गामा का अल्फा से गुणा, तो ये बनेगा गामा अल्फा, और माइनस अल्फा का गामा से गुणा, तो माइनस गामा अल्फा। अब लास्ट में गुणा करेंगे हम, तो गामा का बीटा से गुणा, तो ये बनेगा बीटा गामा, और माइनस अल्फा का माइनस अल्फा से गुणा, तो हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे बराबर 1 0 और 0 1। अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस थे, तो आ जाएगा मान अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 और ये 0, यहाँ पर हो जाएगा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब इन दोनों को तुलना करा देंगे हम, तो यहाँ पर मान लिखा है फिर 0, यहाँ पर 1 लिखा है 0, यहाँ पर 0 फिर मान, यहाँ पर 0 फिर ये 1। तो चाहे एक किसी को तुलना करा दें, मान बराबर हो जाएगा, ये सब सेम सेम है, 0 वाले को रहने देंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से कर देंगे। तो यहाँ इक्वल टू में 0 है, यानी कि 1 को हमें बाईं ओर लाना होगा, तो 1 को बाईं ओर लाएंगे, तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब माइनस 1 को हमें प्लस बनाना होगा, तो 1 को बाईं ओर लाएंगे, इसको प्लस बना देंगे, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये इतना मान आ गया। अब ऑप्शन में इसको देखेंगे हम, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 14 नंबर है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो इसमें क्या होगा। ये एक विकर्ण आव्यूह है कि ये एक वर्ग आव्यूह है कि ये एक शून्य आव्यूह है कि इनमें से कोई नहीं, तो हमको कोई मान लें कि कोई ये आव्यूह है, तो एक बार इसको सममित मानेंगे और एक बार इसको विषम सममित मानेंगे। तो ये को पहले ले लेंगे हम सममित, अगर सममित लेंगे हम तो ये बनेगा ये डैश इक्वल टू ये, अगर ये को हम विषम सममित लेंगे, अगर इसको ले लें हम विषम सममित, तो ये बनेगा ये की पावर डैश इक्वल टू माइनस ये, ये इतना मान बनेगा सममित के लिए प्लस में और विषम सममित के लिए माइनस में। तो हमको इसमें क्या करना होगा कि ये डैश का मान ये दिया है, तो यहाँ ये डैश का मान रख देंगे ये, तो अगर इस ये डैश के मान को इसमें रख दें हम, तो हमको मिल जाएगा ये और इक्वल टू माइनस ये, तो ये चलाएगा बाईं ओर, तो ये प्लस ये इक्वल टू बचेगा यहाँ 0, तो ये और ये 2a इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वल टू 0, और ये 0 बचा है वो 0 मैट्रिक्स है ये, यानी कि वो लिखा जाएगा इसको, तो ये 0 मैट्रिक्स है, तो ये का मान आएगा 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स का मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक शून्य आव्यूह है। या फिर एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, इसको मान लें समीकरण सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, तो एक में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये डैश माइनस ये डैश इक्वल टू ये, और माइनस यहाँ माइनस ये है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ये, तो ये डैश में से ये डैश घटेगा तो क्या बचेगा 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स आएगा, यानी कि वो आएगा, और ये बनेगा ये प्लस ये, तो 0 मैट्रिक्स इक्वल टू ये और ये 2a, और 0 मैट्रिक्स को अगर 2 से भाग करेंगे हम, यानी कि तो यहाँ आएगा 1/2,
इक्वल टू ये, तो ये बराबर आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का मतलब वही शून्य आव्यूह, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर। यदि ये एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि ये स्क्वायर इक्वल टू ये, तो आई प्लस ये का होल क्यूब माइनस सेवन ये बराबर है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो लिखा आई प्लस ये का होल क्यूब माइनस सेवन ये, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे, तो लिखेंगे ये क्यूब यानी आई क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ये क्यूब प्लस थ्री ए बी यानी थ्री आई इंटू ये, और ब्रैकेट में ये प्लस बी यानी आई प्लस ये और माइनस सेवन ये। तो आई को हम कितनी भी बार गुणा करेंगे हमेशा आई ही रहेगा, आइडेंटिटी हमेशा आता है। लिख देंगे ये क्यूब, ये क्यूब क्यों हम तोड़ सकते हैं, तो अभी बाद में तोड़ेंगे इसको, और प्लस आई इंटू ये बनेगा सिर्फ ये, और आई प्लस ये माइनस सेवन ये। तो आई इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर इंटू ये के रूप में, इसको अंदर गुणा करा देंगे तो आएगा थ्री ये आई, इसको दूसरे में गुणा कराएंगे तो प्लस थ्री ये स्क्वायर माइनस सेवन ये, आइडेंटिटी वैसे रहेगा। और प्लस ये स्क्वायर का मान ये दिया हुआ है, ये स्क्वायर का मान है ये, तो यहाँ लिख देंगे ये इंटू ये प्लस ये इंटू आई का गुणा यही होगा, और प्लस ये स्क्वायर की जगह हम रखेंगे ये, तो यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू ये और माइनस सेवन ये। यहाँ हम लिख दे रहे हैं चूँकि ये दिया हुआ है ये स्क्वायर बराबर ये, और आई को अगर हम ये से गुणा करेंगे तो हमेशा ये यही आएगा, या फिर आई का क्यूब करें तो भी वो आई मान आएगा, ये इतने मान हैं। तो आई प्लस ये और इंटू ये बनेगा ये स्क्वायर, और प्लस थ्री ए सिक्स ये और माइनस सेवन ये, तो बचेगा ये माइनस ये, तो ये माइनस ये आ जाएगा। तो आई प्लस ये स्क्वायर का मान है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और फिर माइनस ये आई प्लस, अब ये मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटेगा तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब वो लिख देंगे इसको हम, और आइडेंटिटी में अगर हम जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो ये आइडेंटिटी ही आता है मान, तो ये मान आ जाएगा आइडेंटिटी यानी आई मान आएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, ये सी ऑप्शन का सही हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी अभी अभ्यास ख़त्म हो चुका है, अब इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा यानी सारणिक शुरू होगा, चौथा पार्ट, तो अगले वीडियो में आ जाएगा अगले दिन, तब तक इसको देखें अच्छे से समझें और अपना नोट्स बनाते चलें, अपनी तैयारी अच्छे से करते चलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।